अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और आज मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ तकरीबन 7:30 बजे और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, जा रहा हूँ पंजाब। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप तकरीबन 20-25 ब्लॉग आने वाले हैं। आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी जा रहा हूँ पंजाब और वहाँ पर जो शुगर मेला लगना है वो आपको जाकर दिखाएंगे। तो अभी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं निकल रहा हूँ स्टेशन की तरफ, मेरे साथ एक और भी बंदा है, वो सरप्राइज़ है। वो आपको स्टेशन पर पता लगेगा कि कौन है, किसी को भी नहीं पता वो कौन है, तो वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो वो वहीं पर आके आपको बताऊँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टेशन पर क्योंकि लेट हो गए, 7:30 हो गए, 8 बजे की ट्रेन, आधा घंटा रह गया, वहाँ पहुँचना भी है, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मिलते हैं वहीं जाके। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, कराची में बारिशें चल रही हैं, 1-2 दिन हो गए हैं, निकल पड़े हैं, ये फरारी स्टार्ट कर रहे हैं, बैड भी एक लिए शावेस का। तो स्टेशन पर जाके मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग स्टेशन की पार्किंग में पहुंच गए हैं और बैट मेरे पास है। और भाई पता है क्या कह रहे हैं कि तीसरी से चौथी बाइक आई है जो बैट लेके आ रही है, कि बल्ले पे मोहर लगाने जा रही हो, लेकिन बल्ले का निशान ही नहीं है भाई। आप तो पहले पता है आपको। और ये बच्चे बल्लों का निशान वापस ले लिया। तो ये पार्किंग वाले भाई कह रहे हैं कि 4-5 बाइक आ चुकी हैं जो बैट लेके जा रहे हैं। और देख लो, बैट लेके जाने का नतीजा ये है कि हर बंदा बोल रहा है कि बल्ले पे मोहर लगाने जा रहे हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद भाई। तो फाइनली फ्रेंड्स, स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं। तो ये ट्रेन जा रही थी, हमें लगा कि हज़ार ही, हम ऐसे भागे हैं अबू और मैं, देखो आप हमारे काम। अभी तो बस पहुंचने वाले हैं फरख लोग भी, और उनके ही वेट कर रहे हैं। पहले मेरे को लगा कि ये उसके कहने में हज़ारा एक्सप्रेस है, तो ये अवामी एक्सप्रेस थी, हज़ारा नहीं थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे फरक भाई भी पहुंच चुके हैं। तो ये सरप्राइज़ था, फरक भाई का पहला सफ़र होगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्कुलर वाले पे पहले अवामी आई। हाँ, तो फरक भाई तैयार हैं आप? अभी हम लोग निकल पड़े हैं, ट्रेन सर्कुलर चलेगी, इसके बाद ही आ रही है हजारा। तो फ्रेंड्स, फाइनली धूप भी निकल आई कराची में। कल से मौसम बड़ा खराब था और हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, यार अभी तक ट्रेन आई नहीं है। अभी देख रहे हैं कैंट से निकल आई है, तकरीबन 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। और वेट करते हैं, फिर देखो मार्को और कितना लेट करती है। अभी तक तो थोड़ा सा ही लेट किया है, और अभी शुगर मेला यहाँ करते हैं और फिर आगे निकलेंगे। अबू भी खड़े हैं अभी तक, और फरक भाई भी खड़े हैं, दोनों तो ट्रेनें चेक कर रहे हैं कि कब पहुँच रही है। बस तकरीबन 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी, भी आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है। बाबा जान अबू जान, अल्लाह हाफिज़। ट्रेन हमारी पहुँच गई है, देख सकते हैं भाई की वीडियो बना रहे हैं। और जिस स्पीड से आ रही है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये यहाँ रुकेगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और चल भी रही है। अच्छा भैया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठीक है, फ़ोन करें ना रास्ता बातों अपना। गोल्डन टाउन भाई, मजे गोल्डन टाउन आ गया। ये अपना हमारा ये इलाका है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये गोल्डन टाउन है। ये साथ हमारी कचरा कुंडी है, कचरे पे तवज्जो ना दें आप लोग। अभी तक फाटक ही बंद नहीं हुआ ट्रेन रुक के। वाह भाई वाह, बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, लूटने तो नहीं आ रहे, रुक गए यहाँ पे आप। हेलो फरक भाई, अपने इलाके में रुक गए। फ्रेंड्स, तो मैं आ गया उधर बर्थ पे, और जान बुझ के मैंने ट्रेन का रिव्यू नहीं है, रिव्यू नहीं दिया क्योंकि इतनी अच्छी ट्रेन तो है नहीं। और मैं यहाँ लेट रहा हूँ, बहुत सर्दी हो रही थी यार, अभी कुछ धूप निकल आई है, ये तो पहले बड़ी सर्दी थी। तो बस जरा शुगर मेला कर रहे हैं ट्रेन के अंदर ही अंदर ही, सारे सो गए फिलहाल, सब सो रहे हैं। तो उठते हैं फिर शुगर मेला करते हैं। हैदराबाद क्रॉस हो रहे ना, हैदराबाद तक सफ़र नहीं होता, अगर हैदराबाद तक सफ़र हो गया फिर आगे शुगर मेला आएगा, तो आप साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेशन आ चुका है कोटरी, और कितना नीचे स्टेशन है यार, देखो ये देखो यार कितना नीचे स्टेशन है। एक बाइक भी हमारे साथ आ गए हैं, वो सामने जो जा रहे हैं वो। कोटरी पहुंच गए हैं फाइनली फ्रेंड्स, अभी आगे आप पहुंचेंगे हैदराबाद, तकरीबन यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे हैदराबाद, हैदराबाद पहुँच। तो फ्रेंड्स, पेटीज मैंने लिए, ये खा लें, चेक करें कैसी है। पहली चीज़ स्टेशन से ली, अब चेक करूँ देखो कैसी होती है, चेक करते हैं अभी, फिर मिलते हैं आपसे ज़रा। फ्रेंड्स, रेट आ गया, ओए होए होए, ये दरिया से चला रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, हैदराबाद पहुँच गए हैं, हैदराबाद स्टेशन है ये।
ये देखो फ्रेंड्स कितना अमीर दुकान वाला है, इतने सारे MNA। वाह भाई पहुँच गया भाई। तो फ्रेंड्स हम हैदराबाद स्टेशन उतरे ही हैं, ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया और चलने लगी है। पहली बार इतनी कम टाइम रुकी है यहाँ पे, हमने 10-15 मिनट तो उतनी रुकती है। अभी चलो चलते हैं आगे, हैदराबाद पहुँच गए हैं। चल नहीं रही ऐसी हॉर्न बजा रही है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं टंडो आदम, हाँ केले वाले भी आ गए, केले वाले भैया। वाह भाई वाह। और वीडियोस में बना नहीं रहा जानबूझ के, और वीडियोस बना रहा हूँ मैं, नीचे नहीं उतर रहा जानबूझ के, क्योंकि यार थक गया हूँ। आई ट्रेन ने थका दिया यार इतने से सफ़र में, पता नहीं क्यों बहुत स्लो चल रही है यार। थोड़ा सा कर लो गैरत और तेज़ चला लो, हज़ारा वालों मेहरबानी करो यार, पहुँचना है आगे, काम है बड़ा ज़रूरी, मेहरबानी करो पहुँचाओ हमें। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं कंबट में, ये है गंगट स्टेशन। ओह फाइनली फ्रेंड्स रोड़ी सखर पहुंच गए हैं, पहली बार आवाज सुन रहा हूँ यार जब से ट्रेन में बैठा हूँ। ये देखो बर्गर ये वो फलाम, ये आवाज़ें बड़ी मिस करता हूँ मैं जब अक्सर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे है तकरीबन 20-25 मिनट का स्टॉप, और यहाँ पे शोल मेला करते हैं, वॉशरूम जाने हैं, वॉशरूम दिख नहीं रहा नहीं कह रहा। तो यहाँ पे है नमाज का वक्फा, नमाज भी आप पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ लें ज़रा, और आप लोग भी दाँत कर लो। दो घंटे लेट हो गई है, हूँ कितनी लेट है? अब दो से कम हो गया शुक्र है। उम्मीद तो है कि सखर से आगे जो है ना कवर कर लेगी, अब देखो करती है या नहीं करती। मिट्टी वाला पानी होता है, खत्म हो गया पानी यहाँ पे होता है, मिट्टी वाला पिया नहीं जाता, तो हमने बोला ज़रा खरीद लेंगे, मसला नहीं है। अभी हाथ मुँह धोते हैं फिर अंदर ही चलते हैं वापस, वहाँ जाकर शुगर करेंगे। आप ये टीटी बाइक की चाल चेक करें कैसे चल रहा है। हाँ वेरी गुड यार, लेट हो रहा है, क्या शुगर लगा रहा है भाई। फाइनली फ्रेंड्स मुल्तान पहुँच चुके हैं, जरा नाश्ता कर रहे हैं, चाय शर्ट पी रहे हैं, फर्क भी आउटिंग कर रहा है, बाहर घूम फिर रहा है ऐसी मुफ्त, तो ये चाय शर्ट पी रहे हैं। ओह बढ़िया लगता है, लेकिन जो ट्रेन जो इंजन गया ना डब्बे छोड़ने बोलने देगा, इंजन अभी बोलने देगा, चल चाय पी ले फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली फ्रेंड्स हम चंद पहुंच गए हैं, चंद का स्टॉप आ रहा है, ये चंद के लोग हमारे, और ये ट्रेन मुड़ रही है सीट अपने फॉर्म पे लगे हुए, चंद हमारा आ गया। ज़्यादा सर्दी नहीं है यार, मज़े की बात की है, वो ग्लोइंग सर्दी है। और ये है चंद अपना चंद, और ये ये सारी आवाम देख रहे हो आपकी लेने आई है, देखो भाई फुल प्रोटोकॉल में आ रहा है आपका भाई, हाँ चेक करें आप सदर या। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग लैंड हो गए हैं, ज़रा जंग पे लैंड हो गए हैं, देख और अभी रिक्शे पे बैठ गए हैं, दोबारा यहाँ से जाएंगे यूब चौक, फिर आगे इंशाल्लाह बस पे लो। देखो कितना टाइम लग रहा है, और फिलहाल तो चेक करो कितना ख़तरनाक आ रहा है यार। चलो ठीक है मिलते हैं भी आपको बस में, ये फिर आगे बुल्लो में जाओ। फ्रेंड्स काफ़ी देर बस में बैठने के बाद, इस हाईएस्ट में बैठने के बाद फाइनली हम बुल्लो पहुँच गए हैं। रहा फर्क सफ़र कैसा रहा सफ़र? हेलो फाइनली फ्रेंड्स मैं बुल्लो में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ तो धूप खतरनाक हो गई यार, जो कह रहे थे बुल्लो में सर्दी है झूठ बोल रहे थे, बहुत गर्मी है। तो अभी आ गया हूँ बुल्लो में, तो ये था रास्ते का व्लॉग, इंशाल्लाह शुगर मेला लग रहेगा। आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये देखो ये कैमरा आते इसने उठा लिया काम, देख लो इसको आप, चैनल कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। तो अभी चलते हैं अड्डे पे, बल्कि अभी नहीं बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।